पर है भाई। आइए बात करते हैं पेट्रोल डीजल के महंगाई के प्रदर्शन पर, जो कि कांग्रेस के गद्दावर नेता के द्वारा अगुवाई में किया जा रहा है माल रोड पर नॉर्थ कैंपस के पास। सर बताइए कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय पेट्रोल डीजल की कीमतें जब बढ़ती थी हर बार प्रदर्शन करते थे और हर बार विरोध करते थे, लेकिन आज वो चुप क्यों है? देखिए पिछले बार की मैं फेसबुक पे देख रहा था कि कहीं बीजेपी वाले नंगे होके खड़े हैं, कहीं महंगाई की सब्जियां लेके खड़े हैं, कहीं सिलेंडर लेके खड़े हैं। इनको पहले महंगाई डहन लगती थी, अब इनकी अम्मा हो गई है महंगाई। महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, केंद्र सरकार सोई हुई है, मोदी विदेश घूम रहा है। इसलिए अजय माकन जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज सारे कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे हुए हैं और इस महंगाई का सभी पेट्रोल पंपों पे विरोध किया जा रहा है। और इसी के तहत आज करावल नगर जिला की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, सारी ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे माइनॉरिटी के, हमारे सारे ब्लॉकों के, जिले के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पे हैं सभी जगह। इसी के तहत आज हम ये आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आंदोलन सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था, अब हम इस आंदोलन के लिए आगे बढ़ रहे हैं ITO चौक पे, जहाँ समिष्ठा जी, राहुल जी और सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, हम वहाँ पहुँच रहे हैं सब लोग। धन्यवाद धन्यवाद। तरीके से नॉर्थ कैंपस के पास इस प्रदर्शन को की अगुवाई कप्तान सिंह सांगवान जी कर रहे थे और ये प्रदर्शन आगे बढ़कर ITO के मुख्य चौक पर जा रहा है, तो आगे का अपडेट हम इसी के द्वारा देते रहेंगे। बढ़ाते जा रहे हैं, जो बीजेपी रूल स्टेट है, वैट बढ़ा रहे हैं, वैट
कम नहीं कर रहा है, जो महंगाई की ये बात को प्रोटेस्ट करने के लिए आज हिंदुस्तान में हर जगह भारत बंद सुषमा स्वराज तू पिता